हम लोग इस वीडियो में आज चैप्टर थ्री के क्लास इलेवेंथ के चैप्टर थ्री के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़। इसके पहले के जो हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी के टेंथ तक वो हमने दूसरी वीडियो में बना रखे हैं, तो उसकी लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है, उसमें से आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, नेम ए स्पीशीज़ दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आर दोज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट हैव डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आर द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स या दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। मतलब है प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबके सेम होंगे। अब जैसे F- है, ठीक है, F- फ्लोरीन के 9 प्रोटॉन्स हैं पर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 10 है। अब ये कह रहा है इसके साथ जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस हैं उनके बारे में बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन्स वाला कौन सा हो सकता है, जो नाइट्रोजन के पास 7 हैं और 3 और दे दें तो 10 हो जाएंगे, तो N के ऊपर 3- इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद F-, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमें 10 करना है तो 2- कर दो, तो ये भी इससे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ऐसे ही आपका ऑक्सीजन फ्लोरीन हो गया, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोडियम के पास 11 होते हैं, एक निकाल दें तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन्स अलग है, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद F- है, ठीक है। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो निकाल दें तो दिस इज़ ऑल्सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद F-। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आर दोज दे आर दी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, तो उनको कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसो माने सेम, इलेक्ट्रॉनिक माने इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या जिनका न्यूक्लियर चार्ज अलग है, तो उनको कहते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दे आर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया इसका। अब सेकंड पार्ट देखते हैं आर्गन वाला, तो इस चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है, ताकि जगह बन जाए तो समझने में आसानी रहेगी हमें, इसमें से ये चीज़ हटा देते हैं। और ऊपर वाला याला फर्स्ट पार्ट का हटा देते हैं, ठीक है। अब सेकंड आर्गन के अंदर कह रहा है कि इसमें भी वही बताना है कि इसके अंदर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बताना है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, ठीक है। अब जो जिनका एटॉमिक नंबर 18 बनाना है, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो 3- कर दो तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 प्रोटॉन्स हैं, तो ये तो न्यूट्रल था, बट फास्फोरस के ऊपर 3- कर दोगे तो हो जाएगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, उसके ऊपर 2- कर दो तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लोरीन के ऊपर 17 होते हैं, एक उस पर नेगेटिव कर दो, तो दे आर दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद आर्गन 18। ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ देख लेते हैं, मैग्नीशियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, Mg2+ में कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ जगह बन गई ना, Mg में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स वाले तो हमारे पास अभी हमने देखा था, N के ऊपर 3- भी 10 वाला है, O के ऊपर 2- भी है, Na के ऊपर प्लस भी है, ठीक है, Mg के ऊपर 2+ तो है ही है, तो ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। ऐसे एल्युमिनियम पे अगर 3+ रख दें 13 है इसके, ठीक है, तो दीज आर ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद Mg2+। और रूबिडियम, रूबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 है, तो जिनके पास 36 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास अब हमको 36 करना है तो 35 इसका होता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दो तो इट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद रूबिडियम, ठीक है। क्रिप्टन है, क्रिप्टन में तो 36 होते ही हैं, ठीक है। रूबिडियम है, रूबिडियम 37 है ये, तो ये तो
ये सब आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए बिकॉज दे आर हैविंग दी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसके पास 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 36 हैं, इसके पास भी 36 हैं. तो एलिमेंट्स विच हैव एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज. ये स्पीशीज़ क्या हैं, वॉट इज़ कॉमन इन दैम. इनमें दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. वॉट इज कॉमन इन दैम, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ठीक है, ठीक है. वॉट इज कॉमन इन देम, दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई. इसके अंदर जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा. तो देखिए इसका न्यूक्लियर चार्ज 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, इसका 11 है, सॉरी सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होगा और एल्युमिनियम का 13. तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज है तो सबसे साइज छोटा एल्युमिनियम का होगा. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई में लगाना है तो सबसे ज़्यादा हम उसको ऊपर वाले को हटा देते हैं. तो इसका जो सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे कि साइज सबसे बड़ा N3 माइनस का होगा, फिर O के ऊपर 2 माइनस का होगा, फिर F के ऊपर माइनस, फिर Na पे प्लस होगा, फिर Mg के ऊपर 2 प्लस होगा और सबसे छोटा है Al3 प्लस होगा. क्योंकि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज छोटा हो जाएगा. सबके पास 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल ऑफ देम आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में खासियत ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक ये मतलब है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होता जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज सबसे छोटा Al3 प्लस का होगा और सबसे बड़ा साइज N3 माइनस का होगा. ओके जी, तो ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा. बात समझ में आ गई. ये सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोशन इन द टोटल आयन एंड और साइज उसका बड़ा होगा जिसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज कम हो और सबसे छोटा साइज उसका होगा जिसका न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है. तो इसलिए जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज छोटा होगा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में. ठीक है, ये वाला हो गया. अब 13th क्वेश्चन देख लेते हैं. 12th क्वेश्चन हमारा हो गया. 13th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है. 13th क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई कैटायन आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर इन रेडियाई देन देयर पेरेंट एटम्स. जैसे सोडियम का कैटायन जो है ये छोटा होगा सोडियम एटम से, ठीक है, और क्लोरीन का एनायन लार्जर होगा क्लोरीन एटम से. ये बात एक तरह से कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर एंड एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम. ये बात ये कह रहा है. उसका कारण क्या है, कैटायन में जब एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, एक या दो इलेक्ट्रॉन खो देता है तो एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. ठीक है, इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया. नंबर जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ गया तो इसका साइज छोटा हो गया. इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके कंपैरेटिवली इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी मोर. दैट्स वाई एक तो साइज छोटा जाता है. दूसरा चार्ज दूसरा कारण क्या है, समटाइम्स द आउटर मोस्ट शेल इज लॉस्ट. इसके अंदर आउटर मोस्ट शेल लॉस्ट हो गई क्योंकि सोडियम में 281 है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, थर्ड शेल में. जब Na प्लस करोगे तो यह इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ शेल का खत्म हो गया तो नंबर ऑफ शेल्स इसमें दो ही रह गए जिसमें नंबर ऑफ शेल्स 3 है. तो जब नंबर ऑफ शेल्स कम होंगे तो साइज़ भी छोटा हो जाएगा और दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से भी कैटायन का साइज विल बी ऑलवेज बी स्मॉलर. एनायन में क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है. इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी लेस. इन केस ऑफ एनायंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लेस बिकॉज वेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज टेकन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन द सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज. देयर फोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल विल बी लेसर बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज.
इसलिए इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, और पेरेंट एटम का साइज़, क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वो उसका साइज़ छोटा है, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है इसलिए इसका साइज़ बड़ा हो जाता है। एनायंस लार्जर हो जाते हैं क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, और कैटायंस स्मॉलर हो जाते हैं क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, एंड ऑल्सो समटाइम्स द आउटरमोस्ट शेल इज लॉस्ट, दैट्स वाई ऑल्सो द साइज डिक्रीजेज। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, फिर हम और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनको हटा देते हैं। अब 14th क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म्स आइसोलेटेड गैशियस एटम, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, एंड ग्राउंड स्टेट व्हाइल डिफाइनिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्चुअल में क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ मोस्ट लूजली बाउंडेड एटम इन गैशियस स्टेट। एक्चुअल में क्या होता है कि जब एटम्स के आसपास और एटम्स होते हैं ना, तो उनके ऊपर उनका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। अब जब इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी एटम में से और आसपास और मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, तो उसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, तो जो हम निकालेंगे वैल्यू आयनाइजेशन एंथैल्पी की वो गलत हो सकती। तो इसलिए आइसोलेटेड अकेला हो, जब गैशियस फॉर्म में होगा तो दूर दूर होगा और अकेला होगा, तो इसलिए हम आइसोलेटेड गैशियस एटम लेते हैं, सो दैट अदर एटम्स आर नॉट प्रेजेंट क्लोज बाई, सो दैट जो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाले, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकालने में हम जो निकालें वैल्यू, तो वो सेम आएगी बार बार अगर आइसोलेटेड होगा, गैशियस फॉर्म में अलग अलग होगा तो। ठीक है, इसलिए आइसोलेटेड लेते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब लेते हैं और ग्राउंड स्टेट में लेते हैं, ग्राउंड स्टेट में मतलब है कि जिस फॉर्म में मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, जैसे सोडियम में थर्ड इलेक्ट्रॉन जो इलेवेंथ इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में है, थर्ड में है तो वो ग्राउंड स्टेट है, फोर्थ में आ जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट होगा। तो जब वो अपने ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालेंगे वो सही होगी। अगर एक्साइटेड स्टेट में कोई होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालेंगे तो वो ठीक नहीं निकलेगी। तो जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन के जो लास्ट शेल है थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब उसका 17th इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है तो वो ग्राउंड स्टेट में है। इट इज़ ग्राउंड स्टेट इज़ द स्टेट इन विच द एलिमेंट इज़ मोस्ट स्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज टेकन बाय एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब लेगा आइसोलेटेड गैशियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी। तो अगर अकेला है, आइसोलेटेड है, तो औरों का असर नहीं है, और ग्राउंड स्टेट में है तो वो अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट विल रिमेन द सेम एवरी टाइम। तो इसलिए ग्राउंड स्टेट लेना पड़ता है और आइसोलेटेड गैशियस एटम लेना पड़ता है। फिर से मैं समझा देता हूँ, आइसोलेटेड गैशियस एटम इसलिए लेते हैं कि आसपास के एटम्स या मॉलिक्यूल्स का भी असर होता है, तो उनका कोई असर ना पड़े इसलिए आइसोलेटेड लेते हैं। और ग्राउंड स्टेट इसलिए लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट में होगा तो वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है, अगर एक्साइटेड होगा तो और इलेक्ट्रॉन अगर लेगा उसके इसमें तो उसके अंदर वैल्यू अलग आएगी, डिफरेंट आएगी। तो अगर ग्राउंड स्टेट में लोगे तो वैल्यूज हमेशा फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट सेम आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की आयनाइजेशन एंथैल्पी की। इसलिए आइसोलेटेड भी लेते हैं गैशियस एटम और इन ग्राउंड स्टेट लेते हैं। ठीक है, अब जो 15th क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रहा है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ये होती है, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल्स पर मोल। ये जूल्स पर एटम है भी, ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर देखा जाए तो 0 - -2.18 × 10⁻¹⁸ जूल्स पर एटम हो जाएगी। तो इसे 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल्स पर एटम हो गई। अब हमें 1 मोल के लिए निकालना है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इट विल बी 2.18 × 18 × 10⁻¹⁸ × 6.022 × 10⁻²³। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जूल्स पर मोल हो जाएगा, एक मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1312.36 × 10³। ठीक है, × 10³ जूल्स पर मोल मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर निकल आएगा। ये एक मोल के लिए निकालना होगा तो ये हो जाएगा,
ये एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए था, ये वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो गया। वन मोल में अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू विल गेट दी आंसर इन जूल्स पर मोल। ठीक है, ये 15th क्वेश्चन हो गया। अब 16th क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं। 16th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अमंग द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द एक्चुअल आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर इन द ऑर्डर दिस। ठीक है, बेरिलियम हैज़ हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बोरॉन। बेरिलियम की बोरॉन से कम होनी चाहिए थी, ज़्यादा है, और दूसरा ऑक्सीजन की लोअर होनी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की लोअर क्यों है भैया? ठीक है, ऑक्सीजन हैज़ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन एंड फ्लोरिन। ठीक है, तो अब हम इसको पहले बताते हैं बेरिलियम की हायर क्यों गई है। बेरिलियम जो है सेकेंड ग्रुप पीरियड में है। ठीक है, बेरिलियम यहाँ पे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम वाली फैमिली है। तो यहाँ पे फोर है, टू टू, वन एस टू, टू एस टू, तो फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल है। इन केस ऑफ बेरिलियम एस ऑर्बिटल इज़ फुल्ली फिल्ड। और जो बोरॉन है थर्ड में है, थर्टींथ कह लो, तो बोरॉन के पास फाइव है, वन एस टू, टू एस टू, टू पी वन। तो ये जो वन है पी में, तो ये तो ना फुल्ली फिल्ड है, ना पी में तीन होते तो हाफ फिल्ड होता, ये एस में फुल्ली फिल्ड है। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन बोरॉन बिकॉज इन केस ऑफ बेरिलियम एस ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड, देयरफॉर इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर। बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज़्यादा होने का कारण है क्योंकि बेरिलियम में एस ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड। ठीक है, ऑक्सीजन की लोअर देन नाइट्रोजन क्यों है? ऑक्सीजन 16th ग्रुप में है और 15th में नाइट्रोजन है, 15th में नाइट्रोजन है और 16th ग्रुप में ऑक्सीजन है, तो ये 7 है, 1s2, 2s2, 2p3 और ये 1s2 8 है, 1s2, 2s2, 2p4। ये यहाँ पे p ऑर्बिटल इसका एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और इसके अंदर इसका p ऑर्बिटल इज़ नॉट एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। ठीक है, ये नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, तो नाइट्रोजन में पी ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने का कारण क्या है कि नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फिल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, देयरफॉर द आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर हायर। इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। अब फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से भी ज़्यादा है और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। फ्लोरीन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होने का कारण यह है कि इन केस ऑफ फ्लोरीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन में 7 है, ऑक्सीजन में 8 है, तो दी न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ फ्लोरीन इज क्वाइट लार्ज विच विल बी मोर देन दी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इवन वेन इट हैज़ गॉट एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने का कारण यह है कि इट्स न्यूक्लियर चार्ज इज क्वाइट हाई। ठीक है, और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होने के कारण यह है कि नाइट्रोजन में एग्जैक्टली हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल है, इसलिए ऑक्सीजन से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी ज़्यादा होगी। और फ्लोरीन की दोनों से ज़्यादा है, ऑक्सीजन से भी और नाइट्रोजन से भी, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन केस ऑफ फ्लोरीन इज़ वेरी हाई, देयरफॉर इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन। ठीक है जी, तो इसको हटा देते हैं। अब हम लोग 17th और 18th क्वेश्चन करेंगे। 17th है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक है, अब सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन खो देगा, ठीक है, तो उसका स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, नियॉन वाला आ जाएगा। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6। आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन Na+ विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जब खो जाएगा तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद उसका स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसलिए उसका सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई हो जाएगी। बट मैग्नीशियम की जो कह रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम से लोअर है क्योंकि मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12, Mg में 12 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2।
अब इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, नंबर ऑफ शेल्स तो दोनों में तीन तीन है, इसके अंदर 281 है, इसके अंदर 282 है, नंबर ऑफ शेल्स दोनों में तीन तीन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम का ज़्यादा है, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से निकालना मुश्किल होगा बिकॉज इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज हायर। बट जब सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इट विल हैव स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक दैट ऑफ नियॉन, इनर्ट गैस नियॉन की तरह इसका नोबल गैस की तरह इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो सोडियम का सेकेंड आयनाइजेशन एन्थैल्पी विल बी वेरी हाई। ठीक है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एन्थैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एन्थैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो फर्स्ट वाली इसकी लोअर होने का कारण यह है कि इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में से निकालना मुश्किल है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, सोडियम में से पहला निकालना आसान है। बट सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इट विल एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन एंड देयरफॉर इट्स सेकेंड आयनाइजेशन एन्थैल्पी विल बी मच हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरा वाला और निकाल सकते हो आसानी से क्योंकि उसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आया है। ठीक है, इसलिए सोडियम की सेकंड आयनाइजेशन एन्थैल्पी इज मच हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बिकॉज आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन सोडियम विल एक्वायर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल होती है तो उसकी आयनाइजेशन एन्थैल्पी मच हायर हो जाती है। इसलिए सोडियम की सेकंड आयनाइजेशन एन्थैल्पी विल बी मच हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। अब व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू विच द आयनाइजेशन एन्थैल्पी ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स टेंड टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी घटती जाती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में ले लें, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, फर्स्ट ग्रुप के हैं ये एलिमेंट्स। ठीक है, इनकी आयनाइजेशन एन्थैल्पी डाउन द ग्रुप घटने के दो कारण हैं। एक तो कारण है साइज इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे साइज बड़ा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विल बी फार्दर ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियस, देयरफॉर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज, देयरफॉर आयनाइजेशन एन्थैल्पी विल डिक्रीज। तो पहला कारण है कि साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है उसकी वजह से आयनाइजेशन एन्थैल्पी कम हो जाती है। नंबर टू क्या है कि डाउन द ग्रुप जब जाओगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ एक शेल है, यहाँ दो हैं, यहाँ तीन हैं, यहाँ चार पाँच छः सात सात शेल हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स दे विल डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटरमोस्ट शेल। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, एक दो तीन चार पाँच शेल्स हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लो यहाँ पे 50 प्रोटॉन्स थे, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, कुछ यहाँ पे घूम रहे हैं, कुछ यहाँ पे घूम रहे हैं, कुछ यहाँ पे घूम रहे हैं, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पर कम हो जाएगा बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स विल हैव स्क्रीनिंग इफेक्ट, दे विल शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटरमोस्ट शेल, इसलिए बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान हो जाएगा तो आयनाइजेशन एन्थैल्पी विल डिक्रीज। तो हम दोनों चीज़ को इस तरह से समझाएंगे, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एन्थैल्पी घटने का कारण एक है कि साइज बड़ा होता जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटरमोस्ट शेल डिक्रीजेस। दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, एज द नंबर ऑफ शेल्स विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर ऑर्बिटल्स इनर शेल्स will prevent the force of attraction of the nucleus on the outermost shell, therefore because of screening effect the ionization enthalpy will also decrease। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ तक 18th क्वेश्चन तक करा दिए। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप, स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप घटता जाता है और उसकी वजह से मेटैलिक करेक्टर बढ़ता जाता है। तो हम वैसे तो आंसर कह सकते हैं फर्स्ट ग्रुप का है, कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, मेटैलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, एक्चुअली ये सब मेटल्स हैं। बट लेफ्ट टू राइट
लेफ्ट टू राइट, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेल्स तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो आपको खाली आंसर लिखना है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल्स, ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑन द मेटेलिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के मेटेलिक करेक्टर पे स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या असर है, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, ठीक है। मैंने आपको 18th क्वेश्चन तक समझा दिया है NCERT के चैप्टर 3 के, ठीक है। इसके पहले एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन समझाए हैं और इसमें 18 तक कर दिए टोटल, और जो बचे हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे। तो अभी यहाँ तक रखते हैं, ओके। हमारी वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, औरों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी NCERT के क्वेश्चंस का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।